1915 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ था। 1947 में ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल हुए। युवा पेंटर के रूप में हुसैन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की राष्ट्रवादी परंपरा को तोड़कर कुछ नया करना चाहते थे। 1952 में ज्यूरिख में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी लगी। इनकी फिल्म थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर को 1966 में फ्रांस के फिल्म समारोह में सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों में लिखित सूक्ष्म पहलुओं को अपने चित्रों के माध्यम से जीवंत बनाया। 1998 में इन्होंने हैदराबाद में सिनेमाघर नामक संग्रहालय की स्थापना की। क्रिस्टीज ऑक्शन में उनकी एक पेंटिंग 20 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी। इसके साथ ही हुसैन भारत के सबसे महंगे चित्रकार बन गए। मकबूल फिदा हुसैन का शोहरत के साथ साथ विवादों से भी अच्छा खासा रिश्ता रहा। 1996 में हिंदू देवी देवताओं की इनकी चित्रकारी को लेकर काफी विवाद हुआ। कई कट्टरपंथी संगठनों ने तोड़फोड़ कर अपनी नाराजगी जाहिर की। जब किसी ने हुसैन से पूछा कि आपकी चित्रकारी को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है, तो उनका जवाब था, यह मॉडर्न आर्ट है, इसे सबको समझने में देर लगती है, फिर लोकतंत्र है, सबको हक है। फोर्ब्स पत्रिका ने मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो घोषित किया था। 1944 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाओं ने हॉलैंड पर हवाई हमले शुरू किए थे। ब्रिटानी RAF लैंकेस्टर के अलावा अमेरिका के विमानों ने जर्मन ठिकानों और बैरकों को निशाना बनाया। यूरोप में इस युद्ध के अंत के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई। ब्रिटानी, अमेरिकी और पोलैंड के वायु सैनिकों को साथ लेकर बने फर्स्ट एयरबॉर्न अलाइड आर्मी का यह पहला महत्वपूर्ण अभियान था। इस अभियान की कमान US 9th एयर फोर्स के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लुइस ब्रैन रेंटन के हाथों में थी। जर्मनी की न्यूज एजेंसी ने इस हमले की घोषणा की, मगर साथ ही बताया कि उनकी फौजों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और जर्मन फौजों ने हमलावरों की बड़ी तादाद को खत्म कर दिया है। 1950 में आज एक दिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मोदी आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 13 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। 1984 में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। 1987 में मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। मोदी गुजरात के सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। इन्होंने वाराणसी और बड़ोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से चुनाव भारी मतों से जीता। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 1970 में जॉर्डन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। जॉर्डन की सेना ने कई नगरों में फिलिस्तीनी छापे मारों पर हमला कर दिया। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच छोटी मोटी हिंसा होती रहती थी। जॉर्डन के राजा शाह हुसैन के जनरलों ने राजधानी अम्मान में तड़के टैंक घुसने के आदेश दे दिए थे। जेरका नगर में भी भीषण युद्ध चल रहा था। यह नगर जॉर्डन के उत्तर में सामान पहुंचाने के रास्ते में एक अहम पड़ाव था। शाह हुसैन के सैनिक फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के मुख्यालय में भी घुस गए थे, मगर PLO के प्रमुख यासर अराफात के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस गृह युद्ध में जॉर्डन और फिलिस्तीन दोनों ने जीत के दावे किए थे। अम्मान रेडियो ने कहा कि जॉर्डन की सेना ने शहर के 3/4 भाग पर कब्जा कर लिया है, जबकि फिलिस्तीनी सूत्रों का कहना था कि पूरे शहर पर फिलिस्तीनियों का नियंत्रण हो गया है।